हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 22 जून 2023 और 22 जून 2023 को हम जो डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य ने 2022-23 के दौरान जो उच्चतम पवन क्षमता वर्दी है वो दर्ज की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये राजस्थान राज्य के द्वारा दर्ज की गई है। जो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय इन्होंने 15 जून के जो विश्वव्यापी समारोह में एक वैश्विक पवन दिवस है इसमें यह शामिल हुआ था और 15 जून को विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजस्थान को जो उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए और गुजरात को मुक्त पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता में वृद्धि प्राप्त करने के लिए और तमिलनाडु को पवन टर्बाइन की जो पुनर्शक्तिकरण है वो शुरू करने के लिए सम्मानित किया गया है। अब राजस्थान राज्य है तो राजस्थान राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर नजर डाल लेते हैं कि भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला है ये जयपुर में स्थापित हो की जाएगी। और राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य वो बन चुका है। और 18वीं जो विश्व सुरक्षा कांग्रेस है जयपुर में आयोजित हुई और कोटा में जो विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। और भारतीय सेना की जो दक्षिण पश्चिमी कमान के द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन है राजस्थान में किया गया। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है इसमें राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है ये टॉप पे रहा है। और भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू इन्होंने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन है ये राजस्थान में किया। और महिला निधि राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है। और राजस्थान राज्य है तो इन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती इनको सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित है वो किया है। और राज्य में जो सीएनजी पर चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन है वो राजस्थान में किया गया है। अब राजस्थान राज्य तो राजस्थान राज्य भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और राजस्थान की एक सीमा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है और इस सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है जिसे रेड क्लिप के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। और राजस्थान के जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री वो है अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्रा। और राजस्थान का जो गठन हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1949 को। और राजस्थान जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान में 3 बाघ अभयारण्य है जिसमें मुकुंद्रा हिल्स, रणथंबोर और सरिस्का है। और एक राष्ट्रीय उद्यान है जो भरतपुर के समीप में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। और वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है वो इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का 9वां संस्करण मनाया जा रहा है। और योग है वो मानव जीवन में अहम योगदान रखता है। योग करके सिर्फ न केवल शरीर को फिट रखा जा सकता है बल्कि खुद को भी शांत हो रखा जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है उसके मौके पर देश भर में योग के कई कार्यक्रम वो आयोजित किए गए हैं। अब जून मंथ, तो जून मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और माता पिता का वैश्विक दिवस के रूप में मनाया गया। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 6 जून को विश्व कीट दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में और 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया गया और 18 जून को फादर्स डे और 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के रूप में मनाया गया। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय सेना ये किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग वो ले रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये मंगोलिया में। जो भारतीय सेना ये मंगोलिया में मल्टीनेशनल जो पीस कीपिंग एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 है इसमें भाग ले रही है। और इस एक्सरसाइज में जो 20 से भी अधिक देशों के जो सैन्य दल सही थे वो भाग ले रहे हैं। मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में कुलेर
ओके, इन्होंने इस अभ्यास का उद्घाटन वो किया था और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व है वो गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी वो कर रही है। और इस 14 जो दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य है वो इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। अब इस एक्सरसाइज से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं, हाल ही में कौन कौन से एक्सरसाइज 2023 में किए गए हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि बहुपक्षीय अभ्यास लापेरोस इसका तीसरा संस्करण है। ये हिंद महासागर जो क्षेत्र है इसमें 13 से लेकर 14 मार्च 2023 को आयोजित हुआ और भारत और जापान दोनों देशों के बीच में जो संयुक्त वायु से अभ्यास हुआ था वीर गार्जियन 2023 और भारत और फ्रांस के बीच में प्रोजेक्ट 2023 है ये तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ और भारत और मालदीव का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये एक्स एक्वेरियन है जो बाटिया है वहाँ पे चोपटी है वहाँ पे शुरू हुआ था और भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये दुस्त लीक है इस जो पिथौरागढ़ में यहाँ पे शुरू हुआ था और भारत और सिंगापुर के बीच में ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र का जो 13वां संस्करण है ये मार्च 2023 में जोधपुर में आयोजित हुआ। अब मंगोलिया देश है तो मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और इसके पड़ोसी देश है रूस चीन और इसकी जो सीमा वो कजाकिस्तान से नहीं मिलती लेकिन यहाँ से कजाकिस्तान इसके पूरी सिरे से 38 किलोमीटर दूर है और जो मंगोलिया है तो यहाँ की राजधानी है उलान बतौर, यहाँ के प्रधानमंत्री है सान जाजिन बाय और यहाँ की मुद्रा है तारगोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि जो हुरुन इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी है वो कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। तो हुरुन इंडिया इन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें इस सूची में भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज और इस सूची में जो मुकेश अंबानी है इनकी कंपनी है ये और ये रिपोर्ट है इसमें रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है इसका जो कुल बाजार पूंजीकरण हुआ था ये हुआ था 16,37,327 करोड़ रुपए वो इसका बाजार पूंजीकरण हुआ था। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे टाटा ग्रुप जो स्थान आता है और इसका कुल बाजार पूंजीकरण ये 11.8 लाख करोड़ रुपए का है और वहां पे इसमें तीसरी देखे तो ये TCS जिसमें दूसरे पर TCS आगे और तीसरे में HDFC बैंक जिसका 9.4 लाख करोड़ रुपए का वो तीसरे स्थान पर आता है। फर्स्ट पे होगी रिलायंस, सेकेंड पे होगी टाटा ग्रुप और तीन नंबर पे HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार ने SBI के जो MD हैं स्वामीनाथन इनको 3 साल के लिए जो RBI का डिप्टी गवर्नर है वो नियुक्त किया है और इस पद पर जो महेश कुमार जैन है इनकी जगह लेंगे ये जानकी रमन और इनका कार्यकाल पिछले हफ्ते ही समाप्त हो गया था और महेश कुमार जैन इनको जून 2018 के अंतर्गत RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था और वर्तमान में जो RBI के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है वह है शक्तिकांत दास और RBI तो वह भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत के सभी बैंकों का संचालक है और RBI है वो देश की जो इकोनॉमी है उसको भी कंट्रोल करता है और RBI का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में RBI का हेडक्वार्टर और RBI की स्थापना वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास और दारिद्र्य दर है 6.25%। अब बैंकिंग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं RBI से उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोहिमा में अपना उप कार्यालय खोला है और गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को जो भारत में जीवन बीमा कारोबार के लिए इरिडा की मंजूरी मिली और BOB ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसमें अपने स्वामित्व का हिस्सा है बेचने में इरादे की घोषणा की और RBI ने जो इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और RBI ने अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट है इसके निपटान के लिए जो 100 डेज सौंपे अभियान शुरू किया और सेबी ने जो HDFC बैंक को HDFC AMC के नए मालिक के रूप में मंजूरी दी है और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इसको हाल ही में लॉन्च किया है और सिटी यूनियन बैंक इन्होंने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग एप्लीकेशन वो लॉन्च किया और SBI ने जो अमृत क्लस रिटेल फर्म टर्म डिपॉजिट स्कीम वो शुरू की है और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधाएं वो शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड है इन्होंने किस शहर में 1 मेगावाट रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये जोधपुर शहर में शुरू किया गया है।
1 मेगावाट रूफटॉप सोलर जो पावर प्रोजेक्ट है इसको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड इनके द्वारा जो आईआईटी जोधपुर में ये शुरू किया गया है। और इस परियोजना से जो संस्था की 15% बिजली की जरूरत है वो पूरी होने की उम्मीद है। और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड है ये एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। और ये रूफटॉप परियोजना में प्रतिवर्ष लगभग 14.9 लाख यूनिट है वो इसमें उत्पादित वो की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस लेखक को प्रतिष्ठित जो जर्मन पीस प्राइज है इनसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। जो प्रसिद्ध लेखक है सलमान रुश्दी, इनके साहित्य कार्यों के लिए प्रतिष्ठित जो जर्मन पीस प्राइज है इनको सम्मानित किया गया। और उन्हें ये अवार्ड है इस वर्ष 22 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। और तो रुश्दी है इनके जन्मदिन पर, जो इनका जन्मदिन है, ये रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 को बॉम्बे में हुआ था, मुंबई में। और इस अवार्ड के साथ साथ इनको जो $27,300 की राशि है वो भी प्रदान की जाएगी। अब अवार्ड से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं कि हाल ही में कौन सा अवार्ड हो किसको दिया गया है, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर को हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अरुंधति रॉय ने आजादी के लिए जो 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता है। और रामचंद्र गुहा की जो पुस्तक है इन्होंने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार वो जीता है। और आरबीआई चीफ गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और पेटरसन जो जोसेफ है इन्होंने आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लेड जो पुरस्कार 2023 से वो जीता है। और भारतीय फिल्म वैन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट है इन्होंने WHO पुरस्कार जीता है। और गोवा के लेखक दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कि पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुमित सेठ को नियुक्त किया गया। विदेश सेवा अधिकारी सुमित सेठ, इनको मध्य अमेरिकी देश पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। और सुमित सेठ है ये 2005 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। और सुमित सेठ है ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर तैनात है। और पनामा है ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर दोनों की सीमा पे स्थित है। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि सीनू जावर वो TIA राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और सलीमा टेटे को AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त वो किया गया है। और जी कृष्ण कुमार को भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त वो किया गया है। और LIC ने तक्ष पांडे और एम जगन्नाथ को नया MD नियुक्त किया है। भारत सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती है इनको LIC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल रेबेलो है इनको MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। और RBI ने JP Morgan चेस के नए CEO के रूप में प्रभदेव सिंह है इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। और ग्रुप कैप्टन शालिजा दामी है ये वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर वो बनी है। और अर्णब बनर्जी वो CEAT के MD और CEO के रूप में नामित हो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर वो कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन चुके हैं। तो पुर्तगाल फुटबॉल टीम है इनके कप्तान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन चुके हैं। और रोनाल्डो है इन्होंने ये उपलब्धि है वो आइसलैंड के खिलाफ है जो UEFA है यूरो इनको 2024 के जो क्वालिफाइंग मैच के दौरान हासिल की थी। और इनको जो 2023 तो इनको ये उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन है इसका अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन है ये उत्तराखंड के मसूरी केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इनके द्वारा लॉन्च किया गया। और इस एप्लीकेशन को राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड इनके द्वारा डेवलप किया गया। और भारी उद्योग मंत्रालय के तहत जो मिनी रतन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एक एंटरप्राइज है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है कि दूध की गुणवत्ता में सुधार करना और हितधारकों के बीच में पारदर्शिता को बढ़ावा देना। और दुग्ध जो सहकारी समितियों सहित जमीनी स्तर पर ग्राम स्तर पर एक संचालन को सुव्यवस्थित तरीके से करना है।
और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किसे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ये 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।